विहाड़ी के जिला कचहरी में आज सुबह फायरिंग ने एक शख्स की जान ले ली, जबकि एक वकील समेत दो अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। नुडन की बलोच बरादरी और खोखर बरादरी के दरमियान तवील अरसा से कत्ल का मुकदमा सेशन कोर्ट में जेर समाअत था, जिसकी आज पेशी थी। खोखर बरादरी के अजमल और शहबाज जैसे ही सेशन कोर्ट के मेन गेट पर पहुंचे तो घात लगा कर बैठे बलोच बरादरी के मुस्लिम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अजमल नामी शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि शहबाज और हुमायूं खान एडवोकेट जो कि खोखर बरादरी के साथ अदालत में पेशी के लिए जा रहा था, शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही सेशन कोर्ट में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अहलकारों ने सेशन कोर्ट का मेन गेट बंद कर दिया। मुलजिमान मकतूल को 7 फायर मारे, जबकि मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। सराय के मुताबिक चंद साल कबल खोखर बरादरी और बलोच बरादरी के दरमियान जमीन के तनाजे पर लड़ाई में बलोच बरादरी का एक शख्स खोखर बरादरी के हाथों कत्ल हो गया था और इस कत्ल केस की मुसलसल समाअत जारी थी। रेस्क्यू 112 और पुलिस मौके पर पहुंच गए। बाद हज़ार जीपीओ जफर बुसार भी पुलिस के नफरे के हमरा मौके पर पहुंच गए। इधर इस वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स विहाड़ी के गेट पर अफसोसनाक वाक़या हुआ, वो सरासर डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की जो पुलिस है उसकी नाअहली की वजह से हुआ है। बिल्कुल ज़ीरो सिक्योरिटी दी गई है कोर्ट्स को, बिल्कुल ज़ीरो सिक्योरिटी दी गई है। जब सुबह 300-400 की तादाद में हमारे क्लाइंट्स और हम बुकला एक ही गेट से एंटर हो रहे होते हैं तो उधर एक गनमैन भी, पुलिस का एक गनमैन भी नहीं खड़ा हुआ होता। और मैं डीपीओ बिहाड़ी को वार्न करता हूँ कि ये लुडन में बैलों की दौड़ हो, बैलों की रेस हो, उधर सिक्योरिटी लगवा देता है और अपनी सिक्योरिटी में बैलों की दौड़ करवाता है। हमारे लिए इधर कोई सिक्योरिटी नहीं है। विहाड़ी के वकला जो है, हमारी कोर्ट्स हैं, ये बेयारों मददगार हैं। जब वकला पे दावा बोलना होता है तो 400 की तादाद में यही डीपीओ पुलिस फोर्स लगा देता है हमारे ऊपर जुल्म तशद्दुद करवाने के लिए, और अब ज़ीरो सिक्योरिटी है। आज जब फायरिंग हुई है तो एक भी पुलिस का उधर जवान नहीं था जो जवाबी फायरिंग करता या हमारी हिफाजत करता। हमारे नौजवान वकील जो हैं उन्हें फायर लग गया है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदरुस्ती दे। उसके अलावा जो वकला के अलावा जो क्लाइंट्स हैं वो भी तो इंसानी ज़िंदगियाँ हैं, एक सुबह ज़िंदगी ज़ाया होगी और दूसरा शदीद मजरूब है जो निस्तर रेफ़र कर दिया गया है। मेरी IG पंजाब से दरख्वास्त है कि इस DPO को समझाएँ और इसे कहीं भी विहाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की सिक्योरिटी है उसे सही मानों में ठीक ठाक तरीके से इधर जवान तैनात करने चाहिए ताकि हमारी और हमारे क्लाइंट्स की जिंदगियां महफूज रहें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। DPO विहाड़ी जफर बुज़दार ने मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। इस वाक़े पर उन्होंने अपना पेशावराना रद्द अमल इन अल्फाज में दिया। कचहरी में तो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है मेन गेट के बाहर। खुद मुसल्ला लोगों ने दुश्मनी पे फायरिंग की है, जिससे एक बंदे की डेथ हुई है, दो मजरूम हुए हैं। मैं फौरी तौर पे मौके पे पहुंचा हूं और सारे हालात का जायजा लिया है। जो टीमें हैं उनकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए वो हमने रवाना कर दी हैं। इनकी आपस में कत्ल की दुश्मनी चल रही थी जिसके नतीजे में ये इंसिडेंट हुआ है। इंशाल्लाह जल्द ही हम जेन्युइन मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफरेट किरदार तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान रिफत मुख्तार राजा ने विहाड़ी सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग के वक्फे का नोटिस लेते हुए DPO विहाड़ी को फौरी मुलजिमान गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा।